तो दोस्तों आज राजा से आगे निकलने का चांस है। देखते हैं राजा आज क्या कर्तव्य दिखाता है। राजा को सिर्फ प्यार से जीता जा सकता है, तकरार से नहीं। कम ऑन, फॉलो मी। मर गए फूलन देवी। गर्ल्स गेट रेडी, लगता है शिकार आ रहा है। आज इन बंदरों को गुलाटी मारना भुला देते हैं। एक्सक्यूज मी मिस, रास्ता रोको। मैंने कहा देवी जी कान से रुई निकालिए। बड़ी अच्छी कलाकार हैं आप, तस्वीर तो मेरी अच्छी बनाई है, मगर बदन अपने बुजुर्गों का क्यों लगा दिया आपने? तुम्हारी गुस्ताखी ने हमें गुस्सा दिलाया है और हम गुस्सा दिलाने वाले को सजा जरूर देते हैं। लड़कियों के हाथ श्रृंगार के लिए होते हैं, चट्टानों से टकराने के लिए नहीं। वैसे तो हम पर हाथ उठाने वाले का हम हाथ तोड़ देते हैं, मगर लड़कियों पर हाथ उठाना मर्दों के शान के खिलाफ है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। चलो रास्ता साफ करो। मर्द हो तो रास्ते की रुकावटों से क्यों डरते हो? ये बात है। कर्तव्य तो मैं पहले भी दिखा सकता था, मगर तुम्हारे घमंड ने तुम्हारे दोस्तों का नुकसान करने पर मजबूर कर दिया। यह तो अच्छा हुआ कि ये एटलस की साइकिलें थी, वरना चूर चूर हो जाती। आइंदा किसी मर्द से टकराने से पहले यह सोच लेना कि तुम एक लड़की हो, कमजोर लड़की। और हां, आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो रास्ते से ही हटा दूंगा। मेरा नाम राजा है, राजा। देखा मधु, तुम्हारी जिद ने हमारा नुकसान भी कराया और हमारी बेइज्जती भी। हाँ यार, वो लड़के हैं, उनसे टकराने में हमारी जीत नहीं हो सकती। ओह शट अप, तुम लोग क्या समझती हो, मैं हारकर खामोश बैठ जाऊंगी? मैं भी तुम लोगों को दिखाऊंगी कि अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेती हूँ। मैंने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। आए सुंदर बालिके, जिस कहावत का आपने अभी अभी प्रयोग किया है प्राय पुरुषों के प्रयोग में आती है। बाय द वे, आई एम विश्वेश्वरनाथ त्रिवेदी फ्रॉम मथुरा, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यू नोस।
आपके विद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर आया हूँ त्रिवेदी। तो फिर यहाँ क्या घास खोदने आए हैं? जाकर क्लासेस में लेक्चर दीजिए। परंतु बालिके, मेरी एक समस्या है जिसका विवरण जब मैंने प्रिंसिपल साहब के सामने किया तो उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप ही मेरी समस्या का निवारण करें। बोलिए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। यू नोज, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, अर्थात बर्थडे। मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डेज टू हिम। मेरी इच्छा है कल उनका जन्मदिन अपने कॉलेज में बड़ी धूमधाम से मनाएं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हेल्प्स एंड एड्स। हमने बहुत विचार के बाद निर्णय लिया है कि मैदान में दही हांडीज बांधी जाएं, रात भर भजन कीर्तन करें और प्रातः काल दही हांडीज को तोड़ दिया जाए। व्हाट फन, हाउ इज माय आइडियाज? ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन चतुर्वेदी जी। त्रिवेदी बालिके, त्रिवेदी, एक और वेद का भार मुझ पर न डालो। ठीक है द्विवेदी जी। हाँ बालिके, एक वेद घटाकर मेरा अपमान न करो। ठीक है ठीक है, जितने वेद है उतने वेदी जी। लेकिन गोविंदा पर लड़के मटकी फोड़ते हैं। हाँ? तो क्या आपके पास लड़के नहीं हैं? मेरा मतलब है आप अपने लिए लड़कों का प्रबंध नहीं कर सकती, मेरा मतलब इस आयोजन के लिए। सोचिए सोचिए। पंडित जी, इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन आपको पास वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा लड़कों को इनवाइट करने। आइडियाज, आइडियाज। मैं सीधा उस कॉलेज में निमंत्रण देने जाता हूँ, तब तक आप लोग यहाँ के अरेंजमेंट्स कर ले। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। मधु, फिर मुसीबत को दावत दे दी। वक्त तो आने दो, फिर पता चलेगा मुसीबत किस पर आएगी। BMK शास्त्री। कमेन। प्रणाम महोदय। सॉरी जेंटलमैन, नो डोनेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आवर कॉलेज ऑल्सो रन्स ऑन डोनेशन। नो 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 नो, आई डोंट कम फॉर डोनेशन, आई कम फॉर इनविटेशन। व्हाट इनविटेशन? हमारे कॉलेज में एडमिशन एप्लीकेशन से होता है, इनविटेशन से नहीं। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा चलता है, हमको इनविटेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम। नहीं नहीं शास्त्री जी, आप हमारा अभिप्राय नहीं समझे। क्या अभिप्राय? नहीं मतलब हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, अरे हम तो स्वयं अध्यापक हैं। नमस्कार। कोई बात नहीं, हमें कुछ लड़के चाहिए, कल हमारे गर्ल्स कॉलेज में उनकी आवश्यकता पड़ गई है। What? हम अपना बॉयज आपका गर्ल्स के लिए नहीं दे सकते हैं। What a shame! अपना मुंह से अपनी गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज मांगता है, वेंकटेश्वर है। नहीं 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 शास्त्री जी, ये उत्तर दक्षिण की गड़बड़ हो गई है, आप हमारी बात नहीं समझे। यू नो कम्युनिकेशन गैप। अभी हम सीधी सीधी बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यू नो कल लॉर्ड कृष्णास का बर्थडे है। यस और नो? यस सर। आई कम फ्रॉम लॉर्ड कृष्णास बर्थ प्लेस, यू नो मथुरा। यस और नो? यस सर। कल हमारे कॉलेज में वही फंक्शन है और कॉलेज गर्ल्स का है, दही मटकी तोड़ने के लिए बॉयज की आवश्यकता है। यस सर नो? यस सर। तो हम आपके कॉलेज के बॉयज को इनवाइट करते हैं। यस सर नो? यस सर। तो पहले से बोलना मांगता है ना? इतना गड़बड़ करके आपने हमारा कितना टाइम वेस्ट किया। ओके, आपका गर्ल्स के लिए हमारा बॉयज कल तैयार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। राजा, पुणे की टीम का गेम बहुत ऑफेंसिव है, हमें अपना डिफेंस बहुत मजबूत रखना होगा। इसलिए मनु और आनंद फुल बैक पे रहेंगे और फॉरवर्ड अटैक के साथ साथ फॉल बैक भी करेंगे। अरे चलो यार, फील्ड पर गेम की प्लानिंग बनाएंगे। तुम लोग चलो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हाँ यार, कैप्टन जो है सोलो एंट्री मारेगा। चलो। हेलो राजा। हेलो। टॉस करे राजा? टॉस? टॉस तो फील्ड पर होगा शक्ति। टॉस
गेम और फैसला ये सब तो फील्ड पर होता है, लेकिन हम हार जीत का फैसला खेल के पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमें हारने की आदत नहीं। नहीं है तो डाल लो, क्योंकि हराने की आदत हम में तो है। माय बॉय, देखो मधु, तुम्हारी नादानी इस लड़के की जान ले लेती। नहीं इंस्पेक्टर साहब। डोंट वरी राजा, हमने पूना टीम के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कबूल किया है कि इस लड़की के कहने पर ही तुम्हारे ऊपर उसने फिजिकल असॉल्ट किया था। उसने ये भी कहा कि तुम्हारे सामने ही इसने उसे पैसे दिए थे। तुम्हारी स्टेटमेंट लेने के बाद हम उस पर भी एक्शन लेंगे। एक्शन? हम इस लड़की पर ऐसा एक्शन लेगा कि इसको किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेज के बेस्ट प्लेयर को इंजर्ड कर दिया, हम इसको रस्सी कट कराएगा। बोलो राजा, तुमने क्या देखा? इसने शक्ति को पैसे दिए? इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस लड़की को उस एरिया में देखा तक नहीं। What are you talking? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने इन्हें पैसे देते हुए नहीं देखा। राजा, तुम एक ऐसी लड़की को बचा रहे हो जो तुम्हारी जान तक लेने पर तुल गई थी। सर, अगर किसी के चाहने से किसी की जान चली जाए तो इस दुनिया में गिनती के लोग रह जाएंगे। मधु ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ओके मधु, अब तुम जा सकती हो। अच्छा राजा, थैंक यू वेरी मच। चलिए प्रिंसिपल साहब। चलिए। क्या राजा, तू क्या समझता है, हीरो बन गया? जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचा लेता है झूठा बयान देकर। मैं कोई हीरो नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा था उस लड़के के लिए, जिसका इंसानियत से कोई वास्ता ही नहीं। वास्ता है इंसानियत से उसका, बस घमंड का खोल चढ़ा हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि उसकी एक नादानी की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिले कि उसका करियर बर्बाद हो जाए। शीतल, इंसान सजा मिलने से गलतियां करना नहीं छोड़ता, बल्कि गलती के एहसास से गलतियां करना छोड़ता है।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सिस्टर। सिस्टर? यस सर। इतने सारे फूल कौन ले आया? कौन है वो जिसने मेरा कमरा गुलशन की तरह सजा दिया? वो खुद भी एक फूल के जैसी है। जैसी? यू मीन लड़की है? यस, वो बेचारी सुबह से दरवाजे पर खड़ी है आपके जागने के इंतजार में। व्हाट इज स्वीट फेस। प्लीज सिस्टर, उस मेहरबान को अंदर बुलाइए। ओके सर। हेलो मधु, इन फूलों का और दुआओं का शुक्रिया। आई एम वेरी वेरी सॉरी राजा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खेल खेल में मेरी शरारत कहाँ तक पहुँच गई। अगर तुमने पुलिस को झूठा बयान देकर मुझे बचाया ना होता, मुझे माफ कर दो राजा। प्लीज फॉरगिव मी। खेल खेल में तो जिंदगियां बदल जाती हैं। देखो मधु, आज तक मैंने तुम्हारा चेहरा या तो खुशी से खिला हुआ देखा है या फिर गुस्से से लाल। ये उदास और बुझा बुझा सा चेहरा हमारी शैतान मधु का नहीं हो सकता। कम ऑन चेयर अप। ये हुई ना बात। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ तो कर दिया, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जल्दबाजी से काम मत लो। अगर मैंने कुछ ऐसा मांग लिया जो तुम ना दे सको तो? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है राजा। तो मिलाओ हाथ, आज से दुश्मनी और नफरत का दौर खत्म और दोस्ती का और अपनेपन का दौर शुरू। मंजूर? मंजूर।